वेलकम टू मंधाना एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक नैरो डेफिनेशन है, ब्रॉड डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, देखिए हम चैप्टर को एक साथ नहीं देखेंगे, 3 घंटे का लेक्चर। मैं चैप्टर को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट एक वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर का टारगेट ये है कि वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डी। देखिए ये डेरिवेटिव के फॉर्म का जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है y इक्वल टू ई रेस्टू एक्स प्लस वन, क्या ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ देर आर टू मेथड्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दोनों ही मेथड बता रहा हूँ, आप देख लेना, बाद में एग्जाम में आपकी जो मर्जी हो यू कैन अप्लाई इट। सो मेथड नंबर वन इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले अपने को डेरिवेटिव लेना होता है एंड किल द कॉन्स्टेंट। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बोला जाता है हाउ टू फॉर्म डी, डी कैसे बनता है, तो डी बनाने का एक तरीका है किल कॉन्स्टेंट, या फिर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बोला तो भी चलता है, बाय टेकिंग डेरिवेटिव। पढ़ लो एक बारी फिर से, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन किल आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बाय टेकिंग डेरिवेटिव। ये लाइन 3 बार रीड कर लो, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, अब इसका डेरिवेटिव लो। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, बट यहां पर तो डबल डेरिवेटिव है, अगेन टेक द डेरिवेटिव। सो इट इज वाई डैश डैश इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ई रेस टू एक्स तो वाई डैश के बराबर है, तो यहां पर सब्सटीट्यूशन कर दो, तो ये हो जाएगा वाई डैश डैश इज इक्वल टू वाई डैश, ये वाई डैश इधर भेज दोगे तो हो जाएगा वाई डैश डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। देखा, प्रूफ हो गया। सो दिस वॉज द मैथड नंबर वन। अब मैथड नंबर टू क्या है वो देखते हैं। पहले मुझे बताओ एक है LHS, हाँ या ना। हाँ, LHS में है वाई डैश डैश माइनस वाई डैश। मुझे बताओ y डैश डैश मतलब इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव आएगा e रेस्ट टू x, माइनस y डैश मतलब इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा e रेस्ट टू x, e रेस्ट टू x माइनस e रेस्ट टू x जीरो आ गया, RHS क्या है जीरो, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। सी दिस इज मेथड नंबर वन, दिस इज मेथड नंबर टू। इन मेथड नंबर वन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन विच इज किल द कॉन्स्टेंट बाई टेकिंग डेरिवेटिव। दूसरे में हमने LHS RHS का यूज किया। यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ योर ओन चॉइस, इट्स योर पर्सनल चॉइस। मेरा काम था दोनों मेथड बताना, अब इसके बाद में हम कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे। हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हमको ऐसा फॉर्मेशन करना है। हम LHS RHS मेथड यूज करते हैं। सो LHS इज इक्वल टू y डैश माइनस 2x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव बताओ 2x प्लस 2, आंसर इज 0,
RHS is zero, hence proved. तो कितना easy topic था. इसमें देखो, इसमें हम LHS RHS नहीं लगाते हैं, इसमें हम इसको ही डेरिवेटिव लेते हैं. सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा वाई डैश कॉस का माइनस साइन सी का जीरो, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस साइन उधर वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर ऐसा लिख सकता हूं, इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डी. सॉल्यूशन का मतलब है कि जब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो LHS RHS सेटिस्फाई होता है. सो इट वॉज अ रियली इजी क्वेश्चन, हैव अ नोट ऑफ इट. ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, ओके, हैव अ नोट ऑफ इट. सी फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बेसिकली दिस इज द स्क्वायर, एज यू कैन नोटिस दैट. सो समवेयर वी नीड टू यूज द स्क्वायर, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है. ऑप्शन नंबर 1, यूज दिस इक्वेशन टू गेट दिस इक्वेशन. ऑप्शन नंबर 2, LHS इज इक्वल टू RHS. क्या लगता है क्या यूज करें? सी इफ यू यूज द LHS इक्वल टू RHS, इट इज क्वाइट ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. बट एनीवेज आप तो ये कर लोगे, ये इजी है आपके लिए. लेट्स हैव अ लुक एट द टफर साइड व्हिच इज आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू. इस इक्वेशन से ऐसा लेके आते हैं. सो आई थिंक वी शुड टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव. वाई डैश इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. बड़ो एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था. जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑन डेरिवेटिव. ऑलरेडी मैंने बना रखा है डेरिवेटिव पे वीडियो, जस्ट गो एंड चेकआउट. सो 2-2 कट. क्या बचेगा फिर यहां पे अगर 2-2 कैंसिल आउट हो गया तो? वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? वो तो y है. सो वाई डैश कैन बी रिटर्न एज एक्स अपॉन वाई. अब यहाँ पे तो एक्स वाई चाहिए, सो ऊपर और नीचे वाई से इंटू कर दो. सो देयरफॉर आई कैन से दैट ऊपर नीचे वाई से इंटू किया तो हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई इंटू बाई वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर क्या होता है? वाई स्क्वायर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, बिकॉज इफ यू टेक स्क्वायर बोथ साइड ये रूट उड़ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर. हैव अ नोट ऑफ इट. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐसा को ऐसा प्रूफ करना है. सी मैंने आपको बताया था टू फॉर्म डी किल आर्बिटरी आर वाई कॉन्स्टेंट. आर्बिटरी कॉन्स्टेंट क्या क्या रहता है बताता हूँ. पाए ए बी सी ई कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सारे आर्बिट्री कांस्टेंट है. अब इसको मारने का है तो एक्स को उधर भेजो तो इधर आ जाएगा वाई बाय एक्स इज इक्वल टू ए. नाउ टेक द डेरिवेटिव. सो इफ यू टेक द डेरिवेटिव नाउ तो इस तरफ हो जाएगा ये जीरो, इधर रहेगा यू बाय वी रूल. सो यू बाय वी रूल से क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, एक्स ऊपर वाई का डेरिवेटिव, वाई बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा मर जाएगा. तो क्या आ जाएगा एक्स वाई डैश वाई उधर भेज दो इज इक्वल टू वाई. आंसर आ गया. सी जस्ट गो एंड वॉच द 11 डेरिवेटिव सेक्शन वेयर आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.
सी सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ रियली अमेजिंग वन. कुछ ऐसा ऐसा है और साइन को सब्सटीट्यूट उन्होंने कर रखा है. एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, इट्स क्वाइट पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट द साइन. सो लेट्स हैव अ लुक. या तो एलएचएस आरएचएस करो, बहुत इजी जाएगा आपको. दूसरा तो इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं. मैं इसको जानबूझ के ऐसे बना रहा हूँ बिकॉज इन द एग्जामिनेशन समटाइम देर इज अ कंडीशन कि वाई से अपने को डी फॉर्म करना होता है. सो लेट्स टेक अ चैलेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डेरिवेटिव. एक्स बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन एक्स बाहर एक्स का डेरिवेटिव वन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब नाउ यू कैन सी दैट सब कुछ एक्स वाई भरा पड़ा है. देयरफॉर वी हैव टू रिप्लेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. सबसे पहले इक्वेशन देखो, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स. एक्स इधर भेज दिया तो बताओ क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि साइन को सब्सटीट्यूट किया है ना. देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन और कॉस को सब्सटीट्यूट करो. तो साइन और कॉस को सब्सटीट्यूट करने के लिए वाई है. ठीक है, अब ट्रायंगल बनाओ. क्या आपको पता है साइन का रूल क्या है? यस, साइन का रूल है अपोजिट अपॉन हाइपो. ठीक है, तो समझो एक्स इधर है तो अपोजिट कितना है वाई, हाइपो कितना है एक्स. ठीक है, कूल. अपोजिट ये, ठीक है, एंगल एक्स ये कैपिटल लिखते हैं एंगल, हाइपो ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. कूल. अब मुझे बात बताओ, सब्सटीट्यूशन मारने का ही है ना, तो कर दो. एक्स तो एक्स है. व्हाट इज कॉस? कॉस क्या होता है? कॉस होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. तो इधर हो जाएगा. और साइन क्या होता है? वाई बाय एक्स. अब इंस्टेड ऑफ कटिंग दिस लेट्स टेक द एलसीएम. तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर एक्स आ जाएगा और एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा. दूसरा आइडिया, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स विद एक्स. तो हो जाएगा एक्स वाई डैश. सो एक्स मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया. एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई. Hence found the answer. Therefore, this is solution of DE. This is मतलब ये equation इसका solution है. So this was a really amazing question. आपने एक नई चीज सीखी जो है triangle method. I think आपको मजा आया होगा. Have a note of it. देखिए सेवंथ क्वेश्चन है हमारे सामने. एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई. प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ. आई एम गिविंग यू 10 seconds. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सी इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड टेक द डेरेवेटिव डायरेक्टली. मुझे लगता है आगे पता चल जाएगा क्या करना चाहिए. सो इफ यू टेक द डेरेवेटिव डायरेक्टली, एक्स बाहर वाई का डेरेवेटिव, वाई बाहर एक्स का डेरेवेटिव वन, लॉग वाई का डेरेवेटिव वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी का डेरेवेटिव जीरो. गॉट इट? सबको वाई से इंटू करो तो हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर या वाई वाई कट, इधर आ जाएगा वाई डैश. क्या यही चाहिए था अपने को? ऐसा ही चाहिए था बट वाई स्क्वायर ऊपर नीचे वन माइनस एक्स वाई. ओके, सबसे पहले क्या करो, वाई डैश एक तरफ लो. क्या इसमें वाई डैश एक तरफ है? नहीं है, यहाँ पे भी है वाई पे भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, वाई डैश इधर भेज देता हूँ. तो इधर है एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश और ये वाई स्क्वायर उधर भेज देता हूँ तो माइनस वाई स्क्वायर. कुछ खास नहीं किया, वाई स्क्वायर उधर भेज दिया, वाई डैश इधर भेज दिया. क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म थे. लाइक टर्म मतलब एक जैसे. ये भी
डेरिवेटिव वाला एक डेरिवेटिव वाला साथ में ले लिया, यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लो, बचेगा एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये नीचे भेज दो, क्यों? क्योंकि इसमें ना वाई डैश अकेला है, क्या ये मैच हो रहा है? देखो वन माइनस एक्स वाई माइनस वन माइनस है, ऊपर नीचे माइनस से इंटू करो तो ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई। अब ये मैच हो चुका है, हैव अ नोट ऑफ इट। एनएचएस आरएचएस की मेथड यूज कर सकता था बट इन यूजुअली एग्जाम दे आस्क यू टू मेक द डी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मेथड। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, इट इज रियली इजी मेथड, नथिंग मच, जस्ट टेक द डेरिवेटिव। देखो एट क्वेश्चन इज अ रियली अमेजिंग वन, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लाना है, लेट्स टेक अ चांस एंड लेट्स टेक द डेरिवेटिव। वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, बट एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था, एक्स का डेरिवेटिव वन, बट दिस इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ये कुछ अजीब चीज आ रखी है यहाँ पे, वाई साइन वाई कॉस वाई एक्स, अपने पास तो ये सब है ही नहीं, तो एक चांस लेते हैं। सो लेट्स टेक अ चांस, वो चांस ये है कि हम वाई डैश यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा वन प्लस साइन वाई इज इक्वल टू वन, यहाँ पे आ गया वाई डैश इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई, वन अपॉन वन प्लस साइन वाई। अब कैसे लाएंगे? इट्स क्वाइट टीडियस फॉर मी टू ब्रिंग दिस थिंग, ये चीज लाना मेरे लिए टफ हो गया है। वाई डैश इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई, कैसे लाएंगे? तो एक काम करो, मुझे बताओ अपना प्रूफ दैट क्या था, अपना प्रूफ दैट ये था, हाँ या ना बोलो, ठीक है? अब एक चीज नोटिस करो कि हमारा क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन क्या था? वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, कॉस वाई उधर भेज दो तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस एक्स, हाँ या ना? हाँ। और हमारा प्रूफ दैट क्या था? हमारा प्रूफ दैट ये था, प्रूफ दैट क्या था? कि ये डीई का सोल्यूशन नहीं है, और डीई क्या है बताओ? हमारा डीई है वाई डैश इज इक्वल टू वाई, इसको उधर भेज दो तो क्या है? वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, कॉस वाई प्लस एक्स को वाई लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, सो ये वाई साइन वाई, कॉस वाई प्लस एक्स को वाई लिख सकता हूं। आप देख पा रहे हो y बाहर निकल रहा है, y बाहर निकलेगा कट हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन y प्लस वन, और इधर y आ गया, y कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या? दिस थिंग, देयरफॉर दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, देयरफॉर इट इज सॉल्यूशन ऑफ DE। तो कभी कभी अपने को ना जो DE है इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है, और रीसब्स्टिट्यूशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार होते रहती है। गुड क्वेश्चन, हैव अ नोट ऑफ इट। देखो नाइन्थ क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, और ऐसा लाना है। एक काम करो आप, LHS इक्वल टू RHS के मेथड यूज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर वन विच यू कैन डू बाय योरसेल्फ, आई टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन वाई डैश टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बड़े बट x था क्या? वो x नहीं था, जो x नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। अब एक चीज करो, यहाँ पे सब न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, मल्टीप्लाई वन प्लस वाई स्क्वायर विथ ऑल टर्म्स, सो वन इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर, वन इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश तो हो जाएगा वाई डैश इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, इधर वन प्लस वाई स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, खत्म, आंसर आ चुका है। दिस इज वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश
वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। ये दोनों चीजें अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे, देखो वन प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, वन प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, हैंस प्रूव्ड, हैव अ नोट ऑफ इट। सी लुक एट द टेंथ क्वेश्चन, ए दिखा क्या है, ए क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, हाँ या ना? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अगर ए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स हमें ए को मारना है, और ए को मारना है तो वो रूट में है, वो मर नहीं सकता। तो एक ऑप्शन है कि स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लो, ठीक है, दिस वॉज अ गुड आइडिया। दूसरा आइडिया ऐसा था कि डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, डेरिवेटिव ले लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अरे बट वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। अब क्या करो, रूट को रीसब्स्टिट्यूट करके वाई लिख दो, बिकॉज दिस थिंग ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। तो या तो इधर लो डेरिवेटिव या तो उधर लो। सो इसका तो आप कर लोगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई वाई डैश, ए स्क्वायर मर गया टू एक्स, दोनों साइड टू टू कट, इधर आ जाएगा वाई वाई डैश प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, यही तो चाहिए था, वाई वाई डैश प्लस एक्स, वाई वाई डैश प्लस एक्स, इधर भी देखो वही आएगा, टू टू सटाक कट, ये हो जाएगा वाई वाई डैश माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आके प्लस डैश हो जाएगा, सो वाई वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। सो कोई भी मेथड यूज करो, आंसर इज अ सेम वन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। आप एक काम करो, ट्राई टू सॉल्व बाई योर सेल्फ फर्स्ट थिंग, देन आई विल शो द सॉल्यूशन। सी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यूजली यू हैव टू किल द कॉन्स्टेंट, सो ट्राई टू डू दैट, बिकॉज सेपरेटली वी हैव एक्सरसाइज ऑन इट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो देर आर थ्री क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू सॉल्व बाई योर सेल्फ, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, यू कैन नॉट किल द कॉन्स्टेंट, सो देर इज अ रीसब्स्टिट्यूशन ओनली आइडिया पॉसिबल। सो टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अगेन टेक द डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, टेक द माइनस कॉमन, सो ये जाएगा c1 sin x c2 cos x विच इज नथिंग बट y, सो दिस इज हाउ वी फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है विच इज रियली इजी वन, जस्ट यू नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, y बाहर sec का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x बाहर y का डेरिवेटिव dy by dx, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस c मर गया, विच वही तो करते हैं, सब में से sec 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 मर गया, सो बच गया y tan x प्लस y डैश इज इक्वल टू sec x, सो दिस इज हाउ वी फाउंड द इक्वेशन। लास्ट वाले में भी देखो, देयर इज नथिंग मच टू डू, आपको एक चीज दिख रही है कि c को मारना है, C को मारने के लिए एक ही तरीका है, टेक द डेरिवेटिव, सो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन
एक्स रेज टू एन माइनस वन, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सी का डेरिवेटिव जीरो। अब क्वेश्चन क्या खत्म हो रहा है चेक करो। आई थिंक क्वेश्चन इज नॉट ओवर येट, तो चलो हम कुछ और दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो हमारा वाई डैश क्या है बताओ, टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन यू कैन अप्लाई LHS RHS मेथड, बट जाने दो मैं आपको टोटल मेथड ही बता दे रहा हूं। अब क्या करें, थोड़ा सोचते हैं। अगेन टेक द डेरिवेटिव, ठीक है, इफ यू वॉन्टेड टू सिंप्लीफाई इट, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, बट इट इज नॉट मैचिंग विद अवर डिजायर्ड सोल्यूशन, दैट्स वाई मैं फिर से डेरिवेटिव लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा वाई डैश डैश, इसका हो जाएगा स्क्वेयर, ऊपर रूट बाहर, रूट बाहर, ठीक है, टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डिविजन रूल लगा रहे हैं ना, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बाहर, टू साइन इनवर्स एक्स बाहर, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स। तो यहां पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके बाद भेज दो, तो इधर आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश डैश, ये दोनों कट, बच गया टू माइनस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कैन यू एक्सप्लोर समथिंग, देखो मैंने ये चीज देखी है, टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ये चीज यहां पे देखी है, टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो वाई डैश है, ठीक है, तो आप इसको लिख दो वाई डैश, यहाँ पे तो टू ही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सो ये जाएगा वाई डैश अपॉन टू, सो दिस इज हाउ वी गॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे लगता है सबको टू से इनटू कर दो, बाकी तो आप कर लोगे। सो इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है, देखो जब अपन ने u बाय v रूल लगाया तो डबल डेरिवेटिव दोनों साइड लिया, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला बाहर इसका डेरिवेटिव आ गया, टू साइन इनवर्स बाहर, रूट का डेरिवेटिव बताओ क्या आता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, बट वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है, तो इस लिहाज से मैंने माइनस टू एक्स नहीं लिखा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा टू एक्स, ठीक है, ये वाले दोनों टू कट, एक्स साथ में बचेगा इनके, है ना, एक्स साथ में बचेगा, सो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। MHT CET की तैयारी, क्या आप विजो TA और COAP जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं? क्या आप भी लाखों के पैकेज आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए? क्या आप चाहते हैं 180 पर स्कोर करना? आपको टेंशन है कि कम समय में तैयारी कैसे होगी? क्या आपको टेंशन है कि इतने कम समय में आप अच्छे से अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हो? बच्चों, हमारे गाइडेंस के द्वारा और हमारी टॉप 12 एजुकेटर्स के गाइडेंस के द्वारा अब तक हजारों बच्चे COAP और VGTI जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। आपके लिए लाए हम एक बेहतरीन कोर्स जिसकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा दावा ही नहीं, हमारा वादा है, ये कोर्स आपको दिलाएगा एब्सोल्यूट सक्सेस। आइए जानते हैं डिटेल्स। सबसे पहली बात, आपको मिल जाएंगे 7000 प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन। दूसरी बात,
PCM और PCB की 50 फुल लेंथ टेस्ट, साथ ही साथ टॉप 12 एजुकेटर आपको टीच करेंगे, महाराष्ट्र के सारे एजुकेटर जो भी बेस्ट है हमने एक साथ लाए हैं आपको अनअकैडमी पर, और वो सब आपको गाइडेंस करेंगे। देखिए रैपिड रिवीजन कोर्स भी है 100 आवर्स का PCM के लिए, PCB के लिए, जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। जून में आपकी एग्जाम है तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है, जाइए अभी एनरोल करिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर करिए। दोस्तों मैं आपसे कह दूं, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। देखिए ऋषिकेश सर हैं, गुणवंत सर हैं, गजानन सर हैं, खुशवंत सर हैं, सारे बढ़िया एजुकेटर। आप खुशवंत सर की प्रोफाइल तो देखिए, फिजिक्स एजुकेटर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रह चुके हैं, और दूसरी बात IIT से हैं। क्या चाहिए आपको? गुणवंत सर यहाँ पे केमिस्ट्री के एजुकेटर हैं, गजानन सर हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, ऋषिकेश सर को आप देखिए, केमिस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट हैं। तो ये तो एक लिस्ट है, बहुत सारे एजुकेटर आपको टीच कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखिए, खुशवंत सर ने एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो फिजिक्स के ऊपर है। तो देर किस बात की दोस्तों, ये 12 एजुकेटर आपको बहुत ही धमाकेदार सक्सेस दिला देंगे। यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम द कंप्लीट सक्सेस। दोस्तों मैं आपको और सब फीचर बता दूं, रिसेंटली हमने और भी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, द लिस्ट इज कीप गोइंग ऑन। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करिए, और अगर आपके पास लगता है टाइम लिमिटेड है तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 4499। इसमें भी आपको पे नहीं करना है, आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का ऑफ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए दोस्तों और अपनी सक्सेस को एंश्योर करिए एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। घर बैठे आपको मिल सकता है बेहतरीन गाइडेंस, आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, और मिल जाएगा आपको टॉप कॉलेज। दोस्तों टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वैल्यूएबल है, चीजें आप फिर भी खरीद सकते हैं, टाइम खरीद नहीं सकते हैं। तो इतनी रीजनेबल कॉस्ट में अगर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, रिस्क आपका जीरो है, रिवॉर्ड और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। दोस्तों आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो, आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो जाएगी, कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।